सीसीटीवी में जो दिख रहा है दरअसल वो वारदात के लिए जाल बिछाया जा रहा है। इस शख्स ने जानबूझकर जमीन पर 100-100 के नोट गिरा दिए और कार में बैठे शख्स को ये बोलता हुआ आगे चला कि आपके मालिक के रुपए गिर गए। कार में बैठा शख्स बाहर निकला, वो रुपए उठाने के लिए झुका और उधर आरोपी दूसरी तरफ से गेट खोलकर 6.5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भाग गया। बताया जा रहा है कि बहनोई के रुपए जमा कराने के लिए कमाल एहसन आए थे। इस मामले में पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। यूपी से दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।